पता है बजरंग दिनेश का जी, सबको पता है, और तो सब वापस चले गए। आज मैं कहता हूँ कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए। किसका समर्थन? उसका जिम्मेदार टोटल ये धरना जीवी खिलाड़ी है जिन्होंने उसी के साथ मजाक किया है, देश के साथ। अध्यक्ष पद से मैंने विरक्त कर लिया, मेरे परिवार का कोई वोटर नहीं है, मैं वोटर नहीं हूँ। लेकिन अगर उनकी ये मांग है कि भारत की नागरिकता मजबूत, तो ये तो संभव नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने, तो कोई कैंप। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह, जिन पर पिछले दिनों पहलवानों के द्वारा कई गंभीर आरोप लगे और धरना प्रदर्शन तक देखने को मिला था, फिलहाल यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच एक बार फिर भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने धरना देने वाले पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर तीखा हमला किया है। ब्रजभूषण सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधियां बंद हो चुकी हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, जिसके बाद मैं या मेरे परिवार के लोगों ने कुश्ती संघ से जुड़ी सभी गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन अब हालात ये हैं कि संघ का कोई चुनाव नहीं हुआ है, जिसके बाद कुश्ती का कोई मैच या ट्रायल नहीं हो पा रहा, और अब हालात ये हो गए हैं कि अगले महीने एशियन गेम्स हैं और ओलंपिक क्वालिफाइंग है, और अगर संघ का चुनाव नहीं होता है तो कोई भी खिलाड़ी भारत के बैनर तले ओलंपिक में शामिल नहीं हो पाएगा। कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर लिया। और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। और UWW ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं कराती है तो ये संस्था रद्द कर दी जाएगी, और यही हुआ। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, फिर पंजाब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, और यहाँ तक आप सब लोगों को पता होगा कि WFI उत्तर प्रदेश से हम वोटर थे और हमारे बेटे करण वोटर थे, लेकिन खिलाड़ियों की एक मांग थी कि प्रभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए, और मैंने उस बात को स्वीकार किया, मैंने दूसरे नाम भेज और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। और अब उसका परिणाम देश के सामने है, 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है और सारी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने में, और कोई कैंप कुश्ती का नहीं। अब जहां ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती संघ में चल रहे हालात बताए, तो दूसरी तरफ इस पूरी गतिविधि का पूरा ठीकरा धरना देने वाले पहलवानों पर फोड़ दिया और कह दिया कि धरना देने वाले पहलवान तय नहीं करेंगे कि संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा। जिम्मेदार सिर्फ इस देश के 3 प्लस, सबको पता है बजरंग दिनेश साक्षी, सबको पता है, और तो सब वापस चले गए, और सब बच्चे तो वापस चले गए। आज मैं कहता हूँ कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन, हमारा समर्थन। कुछ खिलाड़ियों का आरोप है कि कारण आप बने, कैसे उनका ये आरोप है? कैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीडिया से, कैसे मैं कारण बना? मैंने खेल मंत्रालय के कहने पर अपने आप को कुश्ती से अलग कर लिया, जांच हमारी कर ली जाए, इसकी मैंने सहमति दिया, अध्यक्ष पद से मैंने विरक्त कर लिया, मेरे परिवार का कोई वोटर नहीं है, मैं वोटर नहीं हूँ। लेकिन अगर उनकी ये मांग है कि भारत की नागरिकता मजबूत हो, तो ये तो संभव नहीं है। और वो कौन होती है तय करने वाले कि अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष जो देश की फेडरेशन है वो तय करेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अब उन लोगों का एक कैंडिडेट आया है, एक कैंडिडेट और है जो बनारस के रहने वाले हैं, दोनों के बीच मुकाबला होना है, जिसको देश की फेडरेशन जाए जो चुनाव जीतेगा, वो कौन होते हैं कहने वाले? उसका जिम्मेदार टोटल ये धरना जीवी खिलाड़ी है,
जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है, देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।